सो हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया था और आज की इस क्लास को हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में और साथ ही उन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि ऑलरेडी आपके चैप्टर में गिवन है। सो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सो बच्चों, आपको याद होगा जब मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा था ग्लोबलाइजेशन के, तो वो थे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। तो एक एक करके इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात आती है, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, वो कौन कौन से हैं। तो पहली बात आती है वो है ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। बच्चों ये बात बिल्कुल ट्रू है कि ग्लोबलाइजेशन के आ जाने की वजह से जो स्टेट की पावर है वो रिड्यूस हुई है। पहले क्या था कि स्टेट के पास जो वर्कलोड था वो काफी ज्यादा था, अब लिमिटेड हो चुका है। पहले कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री के अंदर स्टैब्लिश होती थी तो उसे बहुत सारे टर्म्स को फॉलो करना पड़ता था, इवन टैक्सेस भी काफी ज्यादा थे और ऊपर से पॉलिसीज भी एक्सेप्ट करना, एग्री करना, ये सारा था। लेकिन क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन आ जाने की वजह से ये सारे जो कंट्रोल थे वो हटा दिए गए, ये जो रिस्ट्रिक्शन थी उसे कम कर दिया गया या फिर पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो यही चीज हमें इसके अंदर देखने को मिलती है कॉन्सिक्वेंसेस में कि स्टेट की पावर कहीं ना कहीं कम हुई है। अब स्टेट के पास थोड़ा लिमिटेड ही वर्क रह चुका है, वो मेन है जो कि है मेंटेनेंस ऑफ लो एंड ऑर्डर। तो किसी भी कंट्री के लिए लो एंड ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट इज व्हाई बच्चों, अब इसका जो मेन काम रह गया वो लो एंड ऑर्डर रह चुका है और साथ ही अपने सिटीजन की सिक्योरिटी को ध्यान में रखना। और इसके अलावा कि स्टेट का जो मेन कैप्चरिंग है वो क्या है कि मार्केट बिकम द प्राइम डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। जी हाँ बच्चों, अब सोशल और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज के अंदर क्या आ चुका है, मार्केट। अब लोगों के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए गुड्स बनाए जाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है कि किसी भी तरीके से लोगों को पसंद आना चाहिए, तभी वो बाय करेंगे और वो चीजें एक तरीके से सोल्ड आउट होगी, है ना। तो काफी ज्यादा एक तरीके से जो ह्यूमंस है उन्हें सेंटर बना दिया गया उनकी चॉइसेस को लेकर। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक आप कह सकते हो पॉजिटिव इंपैक्ट भी माना जाता है ना। चलिए, इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन ने जो स्टेट की कैपेसिटी है, जो उसकी क्षमता है, उसे पूरी तरीके से डाउन कर दिया। नहीं, कहीं ना कहीं इसने स्टेट के वर्क को इजी भी किया है। इसमें सबसे बड़ी चीज आती है कि स्टेट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सिटीजन, वो भी किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। आपके पास पता है कि हमारा सारा डेटा हमारे गवर्नमेंट के पास इजिली अवेलेबल है, कोई रिटन पेपर में नहीं बल्कि उनके पास इतने सारे स्टोरेज है, वो सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, कंप्यूटर से। ये सारी चीजें आराम से किसी भी तरीके का हमारे पास जो हमारा डेटा है वो गवर्नमेंट के पास है। तो ये भी स्टेट के एक तरीके से उनके लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट है कि हाँ, जो वर्कलोड पहले ज्यादा होता था, जो डॉक्यूमेंट्स पहले सेव नहीं रह पाते थे, अब वो इजिली रह सकते हैं, वो भी बहुत लंबे समय तक के लिए, है ना। कोई भी डेटा इजिली उन्हें मिल सकता है। तो ये एक कॉन्सिक्वेंसेस है, प्लस और माइनस में आप दोनों काउंट कर सकते हैं। तो ये तो होगी पहले। सो बच्चों, दूसरी बात करते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो क्या बात की गई है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व मेनी फैक्टर अदर देन IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इनके अलावा भी इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमें देखना जरूरी है। इट इन्वॉल्व ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो अमंग डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ बच्चों, इसका जो फ्लो है पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्वॉल्व है और साथ ही some of this voluntary and some forced by international institution and powerful countries। आप देखते हो कि जो बड़ी बड़ी already developed country है उन countries के अंदर भी investment करती है जो कि काफी under developed है या फिर developing है। ये सारा possible हो पाए globalization की वजह से। इसलिए ये बात भी की जाती है कि globalization का जो अगर आप positive impact देखोगे तो इससे जो poor country है या फिर average country है उसको काफी benefit मिला है कि उन countries के अंदर जो multinational company है, जो already developed country की है, उसके आ जाने से उनकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर बूस्ट भी हमें देखने को मिला है। आप इंडिया का भी एग्जांपल इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और साथ ही ग्लोबलाइजेशन हैज इन्वॉल्व ग्रेटर ट्रेड कमोडिटीज अक्रॉस द ग्लोब एज इट हैज रिड्यूस द इंपोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ वन कंट्री ऑन अदर। यानी कि मैंने वो स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि जो ये टैक्सेस लगते थे एक तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के, वो भी अब काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं और ये सारा पॉसिबल हो पा रहा है।
है, किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये हो गया। और इसके अलावा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड इंटेंस डिवीजन ऑफ ओपिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि आप देखोगे कि बहुत से लोगों का मानना है कि ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये चीज भी बेस्ट है। उसके दो रीजन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज लाइकली टू बेनिफिट ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। कुछ लोगों का मानना है, जो इकोनॉमिक से रिलेटेड जैसे लीडर्स होते हैं, वो मानते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है वो स्मॉल सेक्शन को हो रहा है। स्मॉल सेक्शन वही लोग है जो काफी रिचेस्ट है ना। और इसके अलावा ऑन द अदर हैंड दूसरे लोगों का ये भी मानना है कि इससे काफी ज्यादा बेनिफिट लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि बहुत बड़ी आबादी को भी इसका फायदा में देखने को मिल रहा है। तो दोनों के आर्गुमेंट अपनी अपनी जगह ठीक है, और इसीलिए ये जो ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हमें इसके पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो था बच्चों इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, होप सो कि आप अच्छे से समझ चुकेंगे। और लास्ट बात कर लेते हैं कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो देखिए, आज वेस्टर्न कल्चर इंडिया के अंदर काफी ज्यादा फेमस है। वो किसकी वजह से? ब्रिटिश यहां पर आए थे, है ना, पूरी तरीके से उन्होंने अपनी मोनोपोली भी यहां पे करी। 1947 के बाद वो यहां से गए, तो वो यहां से बेशक क्यों ना चले गए, लेकिन अपना जो कल्चर है वो इंडिया के अंदर छोड़ के गए। सबसे मेन चीज है क्लॉथ, टेक्सटाइल। जी हाँ बच्चों, आज हम जो भी कपड़े पहनते हैं कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न की ही देन है। और सारा सिस्टम इंडिया के अंदर बहुत सारा वेस्टर्न की ही देन है। जो लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश जैसी लैंग्वेज, वो भी वेस्टर्न की ही देन है। तो ये जो कल्चर इंपैक्ट है वो भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसका एक पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है वो अपने जो कल्चर है पूरे वर्ल्ड में फैला रही है, जिसे हमने यूनिफॉर्म कल्चर का नाम दिया है, जो कि सही चीज नहीं है। इससे क्या है कि खुद अपने देश की जो एक तरीके से जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो डिसअपीयर होता जा रहा है, और उसके ऊपर हावी कौन सा हो रहा है, जो किसी दूसरे कंट्री का है। तो ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ठीक नहीं माना जाता, इसलिए इसके ऊपर आर्गुमेंट दी जाती है ना। इसके अलावा कल्चर ग्लोबलाइजेशन हैज बहुत पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड। और साथ ही बच्चों इसमें यह भी बात किया गया है कि इस कल्चर की वजह से लोगों के पास ऑप्शन भी ज्यादा आ चुके हैं। अगर आपको कोई देसी फूड जो होता है, जैसे घर का खाना अच्छा लगता है, तो हमें उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमारे सामने बर्गर जो कि किसी दूसरी कंट्री का है, तो इसका कंपेरिजन अपने आप में थोड़ा गलत हो जाता है। इसलिए लोगों को चॉइसिस मिली है कि आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो वो आपकी इच्छा है। तो ये सारी चीजें हमें कल्चर कॉन्सिक्वेंसेस में देखने को मिलते हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो तीनों टर्म्स हमने एक एक करके समझे, होप सो कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जो ऑलरेडी गिवन है आपके चैप्टर में, एक एक करके समझिएगा। सबसे पहले आते हैं लिबरलाइजेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में एलपीजी के बारे में बताया था। एलपीजी में जो अगर फुल फॉर्म की बात करें तो लिबरलाइजेशन इसका नाम आ रहा है। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तो ऑलरेडी हम पढ़ ही रहे। तो लिबरलाइजेशन, लिबरल मतलब होता है एक तरीके से इंडिपेंडेंट थिंकिंग, है ना। लिबरल हूं मैं, लिबरल का मतलब कि मेरी खुली सोच है। तो लिबरलाइजेशन रेफर टू द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट्स के जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो एक तरीके से प्राइवेट कंपनियों पे जबरदस्ती थोपे ना जाए, तो उन्हें उन कंपनियों को एक लिबरल तरीके से काम करने दिया जाए। तो ये पहले टर्म्स होगी। उसके अलावा बात आती है ग्लोबलाइजेशन, तो इसके अंदर ऑलरेडी हमने बात कर ली थी कि रेफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमिक विद द इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड, कि अपने देश की जो भी इकोनॉमिक है उसे किसी कंट्री के साथ या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर देना, मर्ज कर देना या इंटीग्रेट कर देना, तो ये ग्लोबलाइजेशन कहलाया जाता है। और उसके बाद हमने बात करी थी प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन आपको पता चल रहा है कि देश के अंदर पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, लेकिन जब एरा हमें देखने को मिलता है कि प्राइवेट का चल रहा है, तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा एक तरीके से बूस्ट अप किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन इज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रीज और सर्विस फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। आप देख रहे हो कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या बड़े बड़े इंडस्ट्री हो, उन सभी को एक तरीके से पब्लिक टू प्राइवेट किया जा रहा है। और एक तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको भी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, चीजों के लिए देश के अंदर बहुत सारे काम भी किए जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा है। तो होप सो कि आप तीनों टर्म्स के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे बात आते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में या कॉरपोरेशन के बारे में। तो एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। देखो, आप आईफोन चलाते हो, ठीक है, तो आईफोन है अमेरिका की, आप चला यहां पर रहे हो, तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं कि हम वहां से लेके आए, हालांकि लेके
भी आ सकते हो, लेकिन जब चीजें हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है तो क्या ही किसी बात का इशू है ना। तो इसलिए कंपनी क्या कर रही है, अपना बिजनेस अपनी कंट्री के अलावा किसी दूसरे कंट्री या मल्टीपल कंट्रीज के अंदर भी इजिली क्या कर रही है, प्रोवाइड करा पा रही है। ये सारी चीजें पॉसिबल वही एमएनसी के थ्रू हो रहा है ना। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, ये बड़े इजी से टर्म्स है, इन्वेस्टमेंट यानी कि कहीं पे निवेश कर देना, द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट, वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीन हो या फिर अदर इक्विपमेंट हो, इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपको भी करनी चाहिए। आगे फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार क्या होता है, तो फॉरेन ट्रेड इज बेसिकली ट्रेड बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज आल्सो नोन इंटरनेशनल ट्रेड। तो है ना, होता है ना, अक्सर लोग एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं। ये जो ट्रेडिशन है वो अभी से नहीं, बिल्कुल एंशियंट टाइम से चलता जा रहा है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से जो काम है, जो पहले वर्कलोड ज़्यादा था यानी कि जो चीज़ों को समझना पड़ता था, अब वो थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, स्टैंडर्ड हो गया और काफ़ी सेफ हो चुका है ना। इसके अलावा बात आती है एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड की, तो फॉरेन ट्रेड का एडवांटेज क्या क्या मिलता है। तो देखिए, जब हम किसी देश से उस देश की चीज़ों को खरीदते हैं, वो चीज़ें हमारे देश में आती हैं, तो जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको, उनके पास ऑप्शन हो जाता है कि चलो ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होगी जो पहले नहीं थी। तो फॉरेन ट्रेड इज फैसिलिटेटेड द ट्रैवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, है ना। उसके अलावा इट प्रोवाइड चॉइस ऑफ गुड्स टू बायर, तो खरीदने वाले के पास चॉइस आ जाती है। प्रोड्यूसर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव टू कम्पीट इन डिफरेंट मार्केट। अब ऐसा भी नहीं है कि हम सारे प्रोडक्ट यूज करते तो जा रहे हैं, लेकिन इसके बीच में कॉम्पिटिशन भी ज्यादा बढ़ जाता है कि कौन किसको बेटर क्वालिटी या क्वान्टिटी प्रोवाइड करवाने वाला है। प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट इन टू डिफरेंट कंट्री बिकम ऑलमोस्ट इक्वल। अब जैसे वही एक बार दोबारा से टेक का एग्जांपल लेते हैं कि कुछ आईफोन जैसे होते हैं यहां पे और दूसरी कंट्री में जहां का है, तो कुछ कुछ 15,000 से 20,000 का फर्क हमें देखने को मिलता है, लेकिन वही कस्टम ड्यूटीज लग जाने की वजह से वो भी रेट इक्वल ही हो जाता है। तो सिमिलर चीजें हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज है हमारे फॉरेन ट्रेड्स के बारे में, होप सो कि आप इनको वन बाय वन करके अच्छे से समझ चुके हैं। सो आगे बात करते हैं बच्चों WTO के बारे में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। तो एक तरीके से रूल एंड रेगुलेशन का ही काम करता है। ये सक्सेसर है GATT का, ठीक है। इससे पहले से GATT के नाम से जाना जाता था, GATT, अब इसका जो रीनेम हो गया वो WTO हो गया। इसका मेन एम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इज टू लिबरलाइज द लॉ ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशन, यानी कि नेशन के बीच में जो भी ट्रेड होता है वो एक लिबरल तरीके से किया जाए। ये सारी देखरेख कौन करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद आगे बात करते हैं हमारा, वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी हमने जाना था, किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, लैंड्स में कर सकते हो, बिल्डिंग्स में कर सकते हो, किसी कंपनी में कर सकते हो। अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे गूगल जैसी कंपनी है, अमेजोन जैसी कंपनी है, तो हम क्या करते हैं इसके कुछ शेयर खरीद लेते हैं, तो हमने एक तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट शेयर के बेस पर हमने कर दी, तो अब कुछ परसेंट हिस्सा हमारी भी हिस्सेदारी उसके अंदर होगी, तो ये हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है ना। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अ व्हेन अ कंपनी या और इंडिविजुअल फ्रॉम वन नेशन इन्वेस्ट इन एसेट और ओनरशिप टू टेक ऑफ कंपनी बेस्ड इन अनदर नेशन, जिसका एग्जांपल हमने अभी दिया था। इसके अलावा इसके मोड्स क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के, तो ये एमएनसी के थ्रू ज्यादा किया जाता है, जैसे कि बाय एस्टैब्लिशिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज इटसेल्फ। तो सबसे पहले ये खुद अपनी फैसिलिटीज बनाती है, उसके अलावा परचेजिंग एग्जिस्टिंग फैक्ट्री जो भी है कंपनी उसको खरीद लेना, जैसे कि एक दो मैं कंपनी के नाम लेता हूं, मिंत्रा और एक है फ्लिपकार्ट, तो दोनों ई कॉमर्स कंपनी है, तो फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को परचेज कर लिया, तो जो कि ऑलरेडी चल ही रही थी, तो अब उसके अंडर में आ गई। जैसे हाल फिलहाल में एलोन मस्क जो कि टेस्ला के ओनर है, तो उन्होंने ट्विटर को चलती एक सोशल मीडिया को अपने अंडर में ले लिया, उन्हें खरीद लिया, तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। बाय आउटसोर्सिंग और एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर विद द सम एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी आप देखते हो कि बहुत सारी कंपनी अपने आउटसोर्सिंग भी ओपन करती है। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉल सेंटर आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहां पे एस्टैब्लिश है लेकिन है वो किसी बाहर कंट्री के, है ना। इनसे उनका काम भी इजी हो जाता है और काफ़ी चीप लेवल में भी हो जाता है, डेवलप कंट्री का खासकर। तो ये सारे क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और उसके मोड्स के बारे में, होप सो कि आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे सारी चीज़ों के बारे में। तो यही था हमारे टर्म्स से रिलेटेड आज की इस वीडियो में, और ये जितना भी हमने पढ़ा आपको वन बाय वन करके अच्छे से समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, और इसके बाद हमारा एक पार्ट और आएगा जिसके बाद ये जो लेसन है हमारा कंप्लीट
हो जाएगा। सो होप्स होगी बच्चों आपको जो वीडियो वो काफ़ी पसंद आई होगी। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए से बच्चे खुश रहें, पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।